तो आप देख सकते हैं किसानों ने रास्ते बंद कर दिए हैं, सड़क के बीचों बीच किसान जरूर बैठ गए हैं। दो घंटे के लिए किसानों ने रोड को जाम कर दिया है, आप देख सकते हैं दो घंटे के लिए किसानों ने रोड को जाम कर दिया है। हरियाणा के सर खापे और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है, जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसान अपनी मांगों को लेकर धरना लगा रहे हैं, उसको लेकर आज जाम लगाया गया है। ये जाम केवल दो घंटे के लिए सांकेतिक धरना दिया गया है। आज ये सरकार जो हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं सरकार से, उसको लेकर आज जाम लगाया गया है और ये दो घंटे के लिए ये सभी गाँव की तरफ से है। पंजाब के किसानों को लेकर जाम है, जो कल मौत हुई है, देखो जो मौत हुई है हम सरकार को शर्मनाक मानते हैं। जिस सरकार की नाकामी है हरियाणा सरकार की, उनको ये गोलीबारी नहीं चलानी चाहिए, बल्कि किसानों के साथ शांत भी ढंग से बात कर लेनी चाहिए, ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कोई गलत हो। आप देख सकते हैं करनाल कैथल रोड की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किसान अपनी मांगों को लेकर यहां पर बैठ चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि कल एक किसान की मौत हो गई थी, उसी के बाद किसानों ने ये ऐलान किया कि वो कल यानी कि आज दो घंटे के लिए जितने भी रोड है वहां पर जाम लगा देंगे। तस्वीरें हरियाणा के निसंग की है, जहां पर आप देख सकते हैं कैथल और करनाल रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया है। आप देख सकते हैं नीचे किसान बैठ चुके हैं, कुर्सियां लेकर किसान बैठ चुके हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि बहुत जल्द शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को खत्म कराया जा सके। और आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच में किसान बैठ चुके हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखे तो पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया हुआ है। और आप देख सकते हैं करनाल कैथल रोड की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं किसान अपनी मांगों को लेकर यहां पर बैठ चुके हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को खत्म कराया जा सके। लगातार दिल्ली जाने का प्रयास किसान कर चुके हैं कई बार, लेकिन वो सफल नहीं हुए। दिल्ली कूच का ऐलान था किसानों का और लगातार कई दौर की वार्ता भी सरकार के मंत्रियों के साथ हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। और अब आप देख सकते हैं कल एक किसान की मौत हो जाने के बाद किसानों ने जाम लगा दिया है। पहले से ही ऐलान कर दिया था कि वो दो घंटे के लिए रोड को जाम करेंगे, सड़क को जाम करेंगे। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं निसंग, जहां पर आप देख सकते हैं कैथल करनाल रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया है, सड़क के बीचों बीच किसान बैठ चुके हैं। हमारी आपसे विनती अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर करें। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा संख्या में किसान सड़क के बीच बैठ चुके हैं और आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा है क्योंकि सड़क को जाम कर दिया है। हालांकि लोगों को परेशानी न हो इसको देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची है और रूट्स को डाइवर्ट जरूर कर दिया, यानी कि करनाल से कैथल और कैथल से करनाल जाने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, रूट को डाइवर्ट जरूर करा दिया गया है। बिलाल आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर किसान सड़क के बीचों बीच बैठ चुके हैं और लगातार उम्मीद ये जताई जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से बहुत जल्द ये आंदोलन जो किसानों का चल रहा है वो खत्म हो जाए।